नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर पूर्वी मंडल अध्यक्ष युवा और कर्मठ अमृत कुमार चौधरी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, देखिए। बिल्कुल युवा है, जोशीले हैं, काफी लगनशील हैं, पार्टी के लिए काफी कर्मठ हैं, पूरी तरह से समय दे रहे हैं श्री अमृत कुमार चौधरी जी। आइए हम मिलते हैं उनसे और उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको एचबीएन न्यूज चैनल पे। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब आ चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? देखिए, चुनाव के बारे में तो आप जान रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है कि चुनाव समय से होना है। अच्छा। चुनाव समय से होगा भी, और हम लोगों ने चुनाव की तैयारी पूर्ण रूप से कर ली और चुनावी मोड में हम लोग आ चुके हैं। तो आपको आश्वासित कर दें कि चुनाव होगा और चुनाव हम लोग लड़ेंगे, फिर आगे जैसा आपका सवाल होगा उसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, तो अभी जो चुनाव जब होगा, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? आप युवा हैं, पार्टी को आप पे काफ़ी मतलब भरोसा है, दारोमदार है, तभी आपको अध्यक्ष बनाया है, आपकी तरफ से किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारी तैयारी, मुझे उजियारपुर पूर्वी मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है और जिस विश्वास के साथ प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व में मुझे बनाने का काम किया है, मैं पूर्ण रूप से उस विश्वास पर खड़े उतरने का काम कर रहा हूं और लगातार अपने मंडल अंतर्गत आने वाले सभी शक्ति केंद्रों पे कार्यक्रम, लोगों से जनसंपर्क और जो भी परेशानियां हैं उसको सुन समाधान कराने का हर एक काम करने का मैं काम कर रहा हूं, जिसको आप मेरे सोशल मीडिया के द्वारा देखते हैं या देख रहे होंगे। लगातार मैं अपने संगठन के बढ़ावे के लिए लगातार काम कर रहा हूं, अपने युवा जोश के साथ युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा हूं, महिला शक्ति को जोड़ने का काम कर रहा हूं, और जो भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में आना चाहते हैं उस हर एक लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का पूर्ण रूप से काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्य को क्षेत्र में बताने का काम मैं लगातार अपने स्तर से और मेरी पूरी टीम कर रही है। तो आप दूसरे को जोड़ने का मतलब प्रयास कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लेकिन आपके मन में ऐसा कौन सा ख्याल आया कि आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया? देखिए, दल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, दल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने बहुत बारीकी से बहुत सारे दलों को देखने का और परखने का कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय मैंने इसलिए रख लिया कि भारतीय जनता पार्टी किसी निजीकरण की पार्टी नहीं है, किसी निजी व्यक्ति के अस्तित्व को बनाने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक संस्कार की पार्टी है, इसमें हर दल का, हर समुदाय के लोगों का एक अपना सम्मान, प्रतिष्ठा दिया जाता है और है। इसी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि मैं इसी पार्टी के लायक बना हूँ और मैं इस पार्टी से जुड़ करके मैं इस पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो इस पार्टी में आप जब जुड़े हैं तो आपको सम्मान मिल रहा है पार्टी में? बहुत ज़्यादा। आप सोच सकते हैं कि मैं एक युवा हूँ, अभी आपने ही कहा कि एक युवा को जो है सो मौका मिला, अध्यक्ष बनाया गया, कहीं ना कहीं मेरी कार्य प्रणाली को देख करके संगठन ने मुझे यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया, प्रदेश नेतृत्व में मुझ पर विश्वास जताया, तो जरूर मुझ में कुछ बात देखी गई होगी और मुझ में कोई बात है, इसीलिए मुझे यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।